हेलो ब्रॉन्सकल्स, तो स्वागत है आपका दंगल के 15वें एपिसोड में। और भाई, सीरीज बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। तो आज हम लेके आए हैं टीम सेथ रॉलिंस, कैप्टन सेथ रॉलिंस अगेंस्ट जिंदर महाल, क्योंकि कल ही मैच हुआ है जिंदर महाल और सेथ रॉलिंस का। मैंने अभी तक नहीं देखा, मैंने देखना है अभी वो कि उसके रिजल्ट्स क्या थे। बट वट एवर, जो भी रिजल्ट थे, तो मैंने सोचा कि टीम जिंदर और टीम सेथ क्यों ना फेस ऑफ करा जाए। तो अभी देखते हैं कि टीम सेथ में कौन कौन से सुपरस्टार आते हैं, और देखते हैं कि टीम सेथ बीट कर पाएगी टीम जिंदर महाल को कि नहीं। वैसे तो पर्सनली मुझे तो लगता है कर पाएगी, बट लेट्स सी। तो टीम सेथ के पहले सुपरस्टार है जेफ हार्डी, द कैरिज्मेटिक एनिग्मा, और दूसरे सुपरस्टार है ड्रू गुलाक। बाय द वे, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी करा था कि ड्रू गुलाक को लेके आओ, ड्रू गुलाक की टीम लेके आओ। तो भाई लो, किस्मत से ही ड्रू गुलाक आ गए हैं, मुझे लाने की जरूरत पड़ी नहीं है। तो आपके ड्रू गुलाक भी आ चुके हैं, जेफ हार्डी भी आ चुके हैं, सेथ रॉलिंस भी आ चुके हैं। तो सेथ रॉलिंस की टीम बहुत बढ़िया टीम है, ड्रू गुलाक भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है टीम जिंदर वर्सेस टीम सेथ के मैच में। टीम सेथ और जिंदर की राइवलरी इतनी लंबी नहीं है, छोटी सी राइवलरी है। जब से जिंदर महाल वापस आए हैं, जिंदर महाल की वाहवाही तो काफ़ी हो रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, स्पेशली ट्विटर पे, वो भी हमारे इंडिया के नहीं, बाहर के लोग, जो गोरे लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, वो बहुत पसंद कर रहे हैं टीम जिंदर महाल को। तो ये जो जेफ हार्डी है, अगर आपको नहीं पता कि ये जेफ हार्डी हेयर स्टाइल कब करके आए थे, तो ये वाला हेयर स्टाइल जेफ हार्डी का TNA में था। अगर आपने TNA रेसलिंग देखी है, तो उसमें जेफ हार्डी का ये वाला हेयर स्टाइल था, तब विलन का रोल करते थे जेफ हार्डी। अभी तो वैसे WWE में भी नहीं है, ना AEW में, पता नहीं कहाँ पे रहते हैं। जेफ हार्डी ने तो अपनी जो है ना सारी इमेज ख़राब कर ली है, ये नशों के चक्कर में, ये शराब के चक्कर में, पता नहीं क्या जेफ हार्डी का क्या सीन है। पर अभी जिनके स्टिल फेवरेट हैं जेफ हार्डी, वो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। जिनके सेथ रॉलिंस फेवरेट है, वो नीचे कमेंट्स में बताएं। और मुझे जल्दी से बताएं कि आप कल किसका मैच देखना चाहते हो, और उससे पहले कि आप टीम सेथ की तरफ होगी, टीम जिंदर की तरफ होगी। मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि शायद सेथ की टीम तगड़ी है, जीत सकती है, बट फिर भी मैं टीम जिंदर के साथ हूँ, क्योंकि भाई जिंदर महाल अपने कंट्री के हैं, अपने देश के हैं, तो क्यों ना अपने बंदे को ही सपोर्ट किया जाए। अभी तक जिंदर महाल ने बहुत ट्राई करी है फिनिशर्स वगैरह लगाने की, सब कुछ करने की, पर अभी तक कामयाब इतने नहीं हो पाए। अभी देखो, जेफ हार्डी की स्वांटन बूम है, स्वांटन बूम लगाने, पता नहीं जितने भी टॉप रॉप वाले आते हैं सुपरस्टार, वो अपना फिनिशर लगाते नहीं है मैच में। तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस मैच में क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। जिंदर महाल के पास ना फिनिशर है, ना सिग्नेचर है, बट वो उन प्लेयरों के साथ जाके पंगे ले रहे हैं जिनके पास भाई साहब सिग्नेचर, फिनिशर सब कुछ है। अब जेफ हार्डी के पास देख लो, तीन फिनिशर हैं। अब जेफ और सेथ के पास भी तीसरा फिनिशर आने वाला है। अभी देखो जेफ हार्डी पता नहीं लगाएंगे या नहीं, जेफ हार्डी से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। ये टॉप रॉप वाले सुपरस्टार बहुत ही रेयरली मूव लगाते हैं, अपना फिनिशर मूव लगाते हैं। और एज यूजुअल ड्रू गुलाक को टैग देके जेफ हार्डी तो किनारा कर गए, ये तो लगाएंगे नहीं अपना फिनिशर। आपको ड्रू गुलाक अच्छे लगते हैं, मुझे ये बताओ कि ड्रू गुलाक अभी एक्टिव है WWE में? मुझे नहीं लगता यार ड्रू गुलाक WWE में अभी एक्टिव है। आर्थ्रुथ को टैग दे दिया, वैसे आर्थ्रुथ भी फिनिशर के लिए गए, ड्रू गुलाक ने फिनिशर आते ही ब्लॉक कर दिया आर्थ्रुथ का। तो ये मुझे लगता है एक ही लेवल के दोनों प्लेयर है, ड्रू गुलाक और आर्थ्रुथ। ड्रू गुलाक की फाइटिंग मैंने ज़्यादा देखी नहीं है, मैंने ज़्यादा ड्रू गुलाक को फॉलो नहीं करा है WWE का, जितना भी इनका रन था, बाकी सबका मैंने रन देखा है योकोजुना को छोड़ के। योकोजुना काफ़ी ओल्ड है, और फिनिशर लगा के आर्थ्रुथ को सबमिशन में फंसा लिया है ड्रू गुलाक ने। वैसे तो योकोजुना बचाने आ गए, बट इतनी जल्दी वैसे जाने वाले नहीं थे आर्थ्रुथ, बाकी कोई पता नहीं होता भाई टाइम का, किस्मत का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। ड्रू गुलाक तो भाई योकोजुना को पेल रहे हैं, वो भी बुरी तरह से। योकोजुना काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं, पिछले दो मैचेस में काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है योकोजुना ने, बढ़िया खेलते हैं। पर पिछले मैच में जिंदर महाल ने जो परफॉर्मेंस दी है, जिंदर महाल जो इतना बढ़िया खेले हैं ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैच में भी वो उतनी ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने कल वाले मैच में दी थी। अगर आपने वो कल वाला मैच नहीं देखा है, तो मैंने आई बटन पे आपके लिए छोड़ा होगा, वो देख लेना ज़रूर। ड्रू गुलाक पिन के लिए गए हैं, एक ही फिनिशर के साथ पिन तो नहीं होगा, इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। आर्थ्रुथ अपने फिनिशर के साथ गए हैं ड्रू गुलाक पे लगा के, ड्रू गुलाक को पहला फिनिशर लग चुका है। देखो ड्रू गुलाक एलिमिनेट नहीं हुए, वो योकोजुना की वजह से ये पिन टूट गया, तो बुरा हुआ आर्थ्रुथ के साथ।
आर्थर उसके पास सिग्नेचर है और वो सिग्नेचर लगा भी दिया ड्रू गुलाक पे। आर्थर सिग्नेचर लगा के चले गए टॉप रॉप मूव लगाने के लिए, टॉप रॉप नहीं मिडिल रॉप मूव लगाने के लिए। आर्थर उसके पास फिनिशर भी आ गया, क्या अभी आर्थर एलिमिनेशन करने का सोचेंगे। टैग दिया है जिंदर महाल को जिसके पास फिनिशर सिग्नेचर है, फिनिशर नहीं है। और ड्रू गुलाक के पास दो दो फिनिशर है, अभी जिंदर सर्वाइव करेंगे। जिंदर को वैसे अभी तक कोई भी फिनिशर नहीं लगा, तो जिंदर के पास काफ़ी टाइम है अभी बचने का, इस मैच में खेलने का, बहुत सी चीज़ें करने का। अभी देखते हैं कि जिंदर महाल अपना सिग्नेचर कब लगाते हैं। जिंदर महाल का सिग्नेचर मैं देखना चाहता हूँ पर्सनली। जिंदर महाल का सिग्नेचर वैसे तो सबमिशन है, अगर आपको नहीं पता तो, मुझे भी रिसेंटली पता चला जब से मैं मैच फॉलो करने लगा हूँ। जिंदर महाल की मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इनका रन इतना बढ़िया है नहीं। WWE में चैंपियनशिप जितवाई थी पर बहुत ही अजीब से तरीके से जितवाई थी, जिसको देख के हमको भी खुशी नहीं हुई थी। हालांकि चैंपियन तो बन गए थे, बट अभी हम चाहते हैं कि जिंदर महाल को, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि बढ़िया रन मिले, एक बढ़िया हीरोइक रन मिले, कि लोग सालों साल याद करें कि हाँ यार जिंदर महाल भी एक सुपरस्टार था। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए। जिंदर महाल टैग देना चाहते हैं अपनी टीम वालों को और कोई आगे हाथ ही नहीं कर रहा है टैग लेने के लिए। सेथ रॉलिंस फिनिशर के लिए गए थे पर जिंदर महाल ने ब्लॉक कर लिया फिनिशर सेथ रॉलिंस का। भाई अभी जेफ हार्डी आए, जेफ हार्डी फिर से कुछ नहीं करने वाले मुझे जहां तक लगता है। और आते ही जेफ हार्डी को जिंदर महाल ने अपना फिनिशर लगा दिया है और स्टन कर दिया है जेफ हार्डी को। जेफ हार्डी को बचाने ड्रू गुलाक आ गए, नहीं तो जेफ हार्डी तो निकल दिए थे अपने घर की तरफ। अभी मुझे सबसे कमज़ोर इस टीम के जेफ हार्डी लग रहे हैं, सेथ रॉलिंस की टीम के, जो सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं अभी तक। और किसी ने मार नहीं खाई, ड्रू गुलाक ने खाई है, पर ड्रू गुलाक ने पेला भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी नहीं बात कि पेला नहीं है, पेला भी बहुत है, तो ये चीज़ बढ़िया है। और जिंदर महाल भाई क्या क्या मूव लगा रहे हैं, ऐसे टॉप रॉप मूव तो मुझे लगता नहीं है उन्होंने रियल में कभी लगाए होंगे। अभी फिर से फिनिशर के लिए खड़े हैं जिंदर महाल, क्या ये फिनिशर लगाएंगे। और ये फिनिशर लग गया जेफ हार्डी को, और इस मैच की पहली एलिमिनेशन ही जेफ हार्डी की भाई कर दी है। तो भाई आप लोग अगर आपको बढ़िया लग रही है वीडियो, तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने सीरीज़ फॉलो नहीं करी है तो सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, और आप अपना फेवरेट सुपरस्टार नीचे ज़रूर कमेंट करें। और कल की वीडियो में कौन सा सुपरस्टार आने वाला है वो मैं वीडियो के लास्ट में ही आपको बता दूंगा। ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर, अपने सब्सक्राइबर की मैं सुनता हूँ भाई, तो वो जो मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं मुझे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि कल कौन सी सुपरस्टार की टीम आने वाली है। तो अभी के लिए तो जेफ हार्डी एलिमिनेट हो चुके हैं, एक दो बंदे बच गए हैं दूसरी टीम में। जिंदर महाल की टीम अभी पूरी की पूरी बची है, तो अभी तक तो बड़ा सही चल रहा है जिंदर महाल की टीम का। जिंदर महाल स्टन है और पेडिग्री लगा दी है सेथ फ्रिकन रॉलिंस ने, और पेडिग्री के साथ टीम कैप्टन जिंदर महाल एलिमिनेट हो चुके हैं। अब योकोजुना सर आए हैं, योकोजुना सर के पास फिनिशर होते हुए भी वो भाग गए सीधा आर्थर को टैग देने। आर्थर उसके पास फिनिशर है, क्या आर्थर सेथ फ्रिकन रॉलिंस का एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट तो नहीं हुए सेथ फ्रिकन रॉलिंस, पर फिनिशर लग चुका है सेथ फ्रिकन रॉलिंस को। सेथ फ्रिकन रॉलिंस अभी काफ़ी चार्ज अप है, अभी काफ़ी हेल्थ है, अभी पहला ही फिनिशर लगा, तो इतनी जल्दी जाने नहीं वाले, ना पिन से जाने वाले ना ही सबमिशन से जाने वाले, और फिनिशर से तो जाने नहीं वाले। अभी एक या दो फिनिशर और लगेंगे तो फिर शायद सेथ रॉलिंस एलिमिनेट हो जाए। सेथ रॉलिंस फिनिशर के लिए गए थे और हमारे आर्थर भैया ने ब्लॉक कर दिया सेथ रॉलिंस का फिनिशर और खुद का फिनिशर लगा दिया सेथ रॉलिंस। देखने वाली बात है कि सेथ रॉलिंस अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए, क्या पता पिन से हो जाए, ड्रू गुलाक ने बचा लिया, मे भी हो जाते। तो अभी आर्थर के पास सिग्नेचर आने वाला है, अगर थोड़े मूव और लगाएंगे तो सिग्नेचर आ जाएगा जल्दी आर्थर के पास। आर्थर काफ़ी फायर्ड अप हैं, पेल रहे हैं, बुरी तरह पेल रहे हैं सेथ रॉलिंस को, इतने बुरी तरह पेलते हुए मैंने देखा नहीं। और ये मूव थेफ्ट लगा के स्टॉम्प लगा दिया सेथ फ्रिकन रॉलिंस, अपने ही स्टॉम्प से एलिमिनेट हो गए। भाई साहब मैंने कहा था कि अगर एक और फिनिशर लगेगा तो सेथ रॉलिंस निकल देंगे सीधा घर के लिए, और वही चीज़ हुई। तो दूसरी टीम में ड्रू गुलाक ही बच गए बस, और अब तो हाईली चांसेस यही है कि टीम जिंदर महाल ही जीतेगी, बाकी कोई पता नहीं। जैसे शमी जैन ने अकेले ही पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया था, तो हो सकता है कि ड्रू गुलाक भी अकेले ही पूरी टीम को एलिमिनेट कर दे। कुछ नहीं कह सकते आप, कुछ नहीं बोल सकते। अभी तो ड्रू गुलाक के पास तीन तीन फिनिशर हैं, सिग्नेचर भी है, तो ड्रू गुलाक अभी काफ़ी डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं। ड्रू गुलाक को शायद एक ही फिनिशर लगा है, तब से इतने फिनिशर भी नहीं लगे, तो अभी तो ड्रू गुलाक के पास काफ़ी टाइम है जीतने के लिए, मैच को जिताने के लिए।
हाँ ये बात है कि योकोजुना को एक भी फिनिशर नहीं लगा, तो योकोजुना को तीन तीन फिनिशर लगाने पड़ सकते हैं बाहर निकालने के लिए। अभी वैसे ड्रू गुलाक अपने फिनिशर ना सिग्नेचर किसी चीज़ भी के लिए नहीं जा रहे, गए तो थे मूव के लिए, वो भी आज उसने ब्लॉक कर लिया है, पर अभी पिन के चांसेस कम है। ड्रू गुलाक के पास काफ़ी अच्छी हेल्थ है अभी, हाँ नॉकआउट हो सकते हैं अगर फिनिशर लग जाए ड्रू गुलाक को, पिन और सबमिशन के अभी चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ कोई रिंग आउट काउंट करा दे अगर आर्थर ड्रू गुलाक को नीचे ले जाए, दोनों खुद ही रिंग आउट के साथ एलिमिनेट हो जाए, तो फिर तो जिंदर महाल की टीम जीत जाएगी इजीली। पर अगर ड्रू गुलाक बढ़िया खेल गए तो फिर मुझे नहीं लगता है कोई बचा पाएगा। योकोजुना बचाने तो आए हैं, आ गए जल्दी, नहीं तो आर्थर निकल लेते। अब मुझे लग रहा है कि आर्थर की हेल्थ इतनी तगड़ी नहीं है इस वक्त, जल्दी ही एलिमिनेट हो सकते हैं, पिन होने ही वाले थे, वो तो आके बचा लिया हमारे योकू भाई ने, योकोजुना भाई ने जो कि जे उसो के दद्दू हैं। तो भाई अभी तो आर्थर काफ़ी अपर हैंड ले रहे हैं, आर्थर के पास कमी ये है कि उनके पास ना फिनिशर है ना सिग्नेचर है, और वो योकोजुना को टैग देने जाने की कोशिश कर रहे थे और ड्रू गुलाक ने देने नहीं दिया। अभी भी मैं कहता हूँ कि टैग दे लो भाई जल्दी, इससे पहले कि तुम बाहर हो जाओ, क्योंकि ड्रू गुलाक के पास तीन तीन फिनिशर है, योकोजुना तो कर लेंगे सर्वाइव। और फिनिशर लगा दिया सबमिशन ड्रू गुलाक ने, आर्थर ने अपनी रेजिलेंसी यूज करके खुद को बड़ी मुश्किल ही बचाया है ड्रू गुलाक के सबमिशन से। ड्रू गुलाक अभी भी अपर हैंड में है, क्या ये पिन को छुड़ा पाएंगे आर्थर, ये सोचने वाली बात है। और योकोजुना बचाने लिया है और आर्थर ऐसे ही एलिमिनेट पिन के साथ हो गए। अभी योकोजुना अकेले बच गए हैं, तो योकोजुना को दो पहला फिनिशर लग गया है, वो भी सबमिशन। आप इमेजिन करो कि ऐसा फिनिशर अगर ड्रू गुलाक सच्ची में योकोजुना को लगाते तो ड्रू गुलाक सर्वाइव कर पाते। अभी तो वैसे योकोजुना सर्वाइव करके योकोजुना के पास रेजिडेंसी तो अभी बड़ा पॉइंट है, इतनी जल्दी बाहर होने नहीं वाले वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे नहीं लगता कि योकोजुना अभी इतनी जल्दी एलिमिनेट होंगे, पर सिग्नेचर और फिनिशर है अभी भी ड्रू गुलाक के पास, तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा सबमिशन लगा दिया योकोजुना पर और नॉकआउट हो गए योकोजुना ड्रू गुलाक के सबमिशन से। तो भाई ड्रू गुलाक ने सेथ रॉलिंस की टीम को बचा लिया है, तो सेथ रॉलिंस की टीम को कांग्रेचुलेशंस। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हाँ कल टीम आएगी द अमेरिकन नाइटमेयर की, द कोडी रोड्स की, वो हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोडी रोड्स की टीम लेके आओ। तो मैं मिलूंगा आपको कल की वीडियो में, बाय बाय।